Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूँ प्रदीप दुबे। फ्रेंड, आज मैं बात करूँगा हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके अंत तक वॉच कीजिएगा। आपसे बता देना चाहते हैं कि आज जो है बॉम्बे हाई कोर्ट SFI वाला जो केस था उसमें सुनवाई था। आज जो है 9 जुलाई है और नोएडा से एक आपा जी का जो केस था वो 67 था, इसके वजह से उनका जो केस का नंबर था वो नहीं आ पाया। और आप लोग को पता है कि जो भी कोर्ट में केस जाता है वो सीरियल नंबर से सुनवाई हो पाता है, तो जो है 20 के समथिंग जो है केस की सुनवाई हो पाई, इसके बाद जो है उनका नंबर नहीं आ पाया, इसलिए इसके केस का डेट जो है बढ़ा दिया गया है। और आप लोग से बता देना चाहते हैं कि इसका जो डेट है अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाया है, इसका डेट जैसे ही आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और आप लोग से एक जानकारी और बता देना चाहते हैं कि जो भी बॉम्बे हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है जो SFI वाला, इसका सुनवाई जो है पूरे अच्छे तरीके से होगा। जो वकील साहिबा हैं पूरी तरीके से इसमें लगी हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद बोलता हूं और मैं भगवान और खुदा से विनती करूंगा कि उनको जो है भगवान और खुदा उनको इतना ज़्यादा ताकत दें, हौसला दें कि नोएडा से एक आपा जी को बाहर ला पाएँ। मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ। और भाई लोग, आपसे और बता देना चाहते हैं कि अभी एक हाल ही में खबर निकल कर आई थी कि जो दुश्मन थे वो लोग साजिश कर रहे हैं नोएडा से एक आपा जी के खिलाफ, वो अभी कुछ लोग को भड़काने की बातें कर रहे थे। तो भाई लोग, आप लोग अपने मन में ऐसी कोई भावनाएँ लेकर मत आना। दुश्मन लोग नई नई चाल चलने की बातें कर रहे हैं जो कि ये बातें सामने आ रही है। बस आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का जो दुआ है, और आप लोग अगर इसी तरीके से लगे रहोगे तो आने वाले समय में नोएडा से एक आपा जी बाहर ज़रूर आएंगी। और जो भी केसेस चल रहे हैं इस केस में सुनवाई भी होगा दोस्तों, तो मैं आप लोग से यही बातें बयां करना चाहता हूं कि सब अच्छी खबर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितने भी नोएडा से एक आपा जी के वकील हैं वो बहुत अच्छे हैं, मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगा आने वाले टाइम में। अगर नोएडा से एक आपा जी बाहर आएंगी तो मैं उनके सामने अपना सर झुका के और उनसे दिल से सलाम करके मैं यही चाहूँगा कि ऐसे वकील जो है हर क्षेत्र में, हर राज्य में रहें और ईमानदारी के खिलाफ जो है लड़ें और आने वाले टाइम में जितने भी गरीब लोग हैं उनका सपोर्ट करें। और भाई लोग, आप लोग से एक बातें और बता देना चाहते हैं कि आज के टाइम में ऐसे बहुत से केस जो है अलग अलग केस में अलग अलग राज्य में चलते हैं और अलग अलग कंपनियों के चलते हैं, पर क्या उसमें क्या है, मैटर बहुत लंबा चला जाता है। पर नोएडा से एक आपा जी का देखो कि उन्होंने गलत नहीं थी, इसके वजह से आज खुदा भगवान उनके सपोर्ट में खड़े हैं। और देखो कि भगवान जो है खुदा कितना उनका सपोर्ट कर रहे हैं, आप समझ आओ कि उनको हर तरीके से धीरे धीरे उनको बेल और क्लीन चिट मिलती जा रही है। और बहुत जल्दी बॉम्बे हाई कोर्ट में जो उनका SFI वाला केस था उसमें उनका मैटर क्लियर होगा, आप लोग समझ जाओ। बस जो डेट है ये डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी इसका खबर मेरे पास नहीं, अगर आएगा तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। बाकी जो भी खबर है अच्छी खबर है, कोई ऐसी बातें नहीं है। बाकी हैदराबाद कोर्ट में जो भी अपडेट है इसका टाइम बढ़ा दिया गया, आप लोग को पता ही है। तो इसका भी जो केस है आप लोग को पता है कि सामने वाले जो उनके पक्ष थे वकील नहीं शामिल हो पाए थे, इसके लिए इसका डेट को 18 जुलाई कर दिया गया था। तो 18 जुलाई को जो भी अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर 15 जुलाई तक जो सामने वाले पक्ष के जो लोग हैं अगर उनका रिप्लाई नहीं आएगा तो कोर्ट का नाम है कि इस केस को हम एक अंडर में कर देंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर एक ही कोर्ट में अगर केस चलता है तो अलग अलग राज्य में जो केस जाता है तो उसमें क्या दिक्कत परेशानी होता है सामने वाले को दौड़ने में। तो इसको जज क्या करेंगे, इस केस को सभी राज्य के केस को मिलाकर एक साथ ज्वाइन कर देंगे और जितने भी केसेस हैं वो हैदराबाद कोर्ट से लड़े जाएंगे। इसमें बड़ी खुशी की बात है, बस देखना ये है कि 18 जुलाई को क्या अपडेट आता है, क्या कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। ये जो है अपडेट था जो मैं आपको बता रहा हूँ, और भी खबर आएगी तो मैं आप लोग के बीच में ज़रूर बताऊँगा। बस भाई लोग, मेरा आपसे विनती है कि नोएडा से आपा जी का सपोर्ट करना, उनके खिलाफ़ कोई भी कंप्लेंट मत करना। आप लोग को चढ़ाने बढ़ाने वाले, भड़काने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, सही रास्ते दिखाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, मैं आप लोग को क्या समझाऊँ, बस यही सब बातें था। अगर हमारी बातें आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना, आपके मन में कोई ख्याल हो तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।